नमस्कार छत्तीसगढ़, मैं हूँ सृष्टि पांडे और आप देख रहे हैं स्वरमय टाइम्स। जैसा कि हम सब जानते हैं कि त्यौहार आते ही पूरे शहर में रौनक छा जाती है, और अगर सबसे ज्यादा कहीं रौनक होती है तो वो होती है बाजारों में। तो इसी के साथ हम आ गए हैं रायपुर के गोल बाजार में, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लगातार लोग आ रहे हैं खरीदारी करने, और काफी यहाँ पे भीड़ है। चाहे वो कपड़े की दुकान हो, चाहे वो बैग्स की दुकान हो, चाहे वो मनिहारी की दुकान हो, हर जगह पे भीड़ है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि 2 साल तक कोरोना में बाजार बंद रहे थे, लेकिन 2 साल बाद जब कोरोना के बाद दुकान खुले हैं तो लोगों के चेहरे में खरीदारी करने का अलग ही उत्साह है। लोगों के साथ साथ यहाँ के व्यापारियों में भी अलग उत्साह है। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं कि बाजारों में और क्या क्या है। हिंदुस्तान में मनाए जाने वाले सभी त्योहारों में दीपावली का सामाजिक और धार्मिक दोनों दृष्टि से अत्यधिक महत्व है। दिवाली आते ही लोगों में खरीदारी की एक अलग ही उत्साह देखने को मिलती है। चाहे वो कपड़े की दुकान हो या गहने की, हर तरफ लोगों की भीड़ देखने को मिलती है। और इसी के साथ हम है रायपुर के सदर बाजार में, जहाँ हर तरफ खरीदारों की भीड़ देखी जा सकती है। आपको बता दें कि रायपुर में सदर बाजार काफी पुराना बाजार है, जो कि किफायती दाम में सामान मिलने के लिए जाना जाता है। यहाँ हर त्योहार में बाजार सजते हैं और इसी प्रकार ग्राहकों की भीड़ उमड़ती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सदर बाजार में सजावट से लेकर हर प्रकार की फैंसी आइटम्स उपलब्ध हैं। अगर आप भी रायपुर से हैं तो जरूर आइए सदर बाजार रायपुर। इसी के साथ आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और लेटेस्ट खबरों के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।